ओम शांति। 21 फरवरी 2023 के बाबा के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे किसी भी चीज में आसक्ति नहीं रखनी है, देह सहित सबसे पूरा बेगर बनना है, शिवपुरी और विष्णुपुरी को याद करते रहना है। प्रश्न, गरीब निवास बाप गरीब बच्चों को भी किस बात में आप समान बना देते हैं? उत्तर, बाबा कहते जैसे मैं फ्राक दिल हूँ, कख पन ले तुम्हें बादशाही देता हूँ, ऐसे तुम बच्चे भल गरीब हो लेकिन फ्राक दिल बनो। थोड़े पैसे से भी ये गॉडली यूनिवर्सिटी खोल दो, इसमें खर्चा कोई नहीं। तीन चार ने भी इस यूनिवर्सिटी से अच्छा फल पा लिया तो खोलने वाले का अहो सौभाग्य। सिर्फ सपूत बनकर रहना, कभी काम क्रोध के वश सतगुरु की निंदा नहीं कराना। ओम शांति। बाप दादा और मम्मा, मम्माएं दो होती हैं, दादी और माता। ये तुम्हारी बड़ी माँ है, परंतु बच्चों को संभालने के लिए जगत अम्बा निमित्त बनी हुई है। शिव बाबा है बहुरूपी, वे बहुत खेल पाल भी करते हैं। स्वहेज होते हैं ना, जब सगाई होती है तो भी स्वहेज करते हैं, और जब शादी का समय होता है तो दोनों फटे हुए कपड़े पहनते हैं, तेल लगाते हैं। ये रस्म भी यहाँ की है। तुम बच्चों को भी बाप समझाते हैं कि पूरा बैगर बनना है, कुछ भी नहीं होगा तो सब कुछ मिल जाएगा, देह सहित कुछ भी न रहे। शिवपुरी विष्णुपुरी तरफ ही बुद्धि योग लगाना है, और कोई भी चीज में आसक्ति ना हो। पवित्र भी जरूर बनना है। देखो मीरा का कितना गायन है, लोक लाज खोई, सिर्फ इस पवित्रता के कारण कितना नाम निकला है। उनको तो ज्ञान अमृत भी नहीं मिला, सिर्फ श्री कृष्ण से प्रीत थी। कृष्णपुरी में जाने के लिए विष को छोड़ा, जैसे स्त्री पति के पिछाड़े सती बनती है ना, अब ऐसे तो नहीं मीरा याद करते करते कोई कृष्णपुरी में गई। उस समय कृष्णपुरी तो है नहीं, मीरा को 500-700 वर्ष हुए होंगे। भक्तिन भी बहुत अच्छी थी, इसलिए कोई अच्छे भक्त के घर जन्म लिया होगा। उनका नामाचार कितना चला आता है, वह तो मीरा भक्तिन थी। तुम सभी ज्ञान मीराएं बनती हो। तुम आए हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी महारानी बनने के लिए। भल पहले अनपढ़े पढ़े के आगे भरी ढोते हैं, परंतु महारानी तो बनेंगे ना। अगर बचपन को भूल हाथ छोड़ दिया फिर तो कभी नहीं महारानी बनेंगी, और ही प्रजा में भी कम पद पाएंगी। वैकुंठ में तो आएंगे परंतु कम पद। बाबा ने समझाया है, भक्ति करने वालों से पूछना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो, कृष्ण की भक्ति क्यों करते हो। जरूर दिल होगी कि इनकी राजधानी में जाएं, परंतु वहां जाएंगे कैसे? बहुत मनुष्य कहते हैं हमको शांति चाहिए, परंतु अशांति तो सारी दुनिया में है ना। तुम एक को शांति मिलने से क्या होगा? हम तुमको 21 जन्मों के लिए सदैव सुखी बना सकते हैं। देवताएं इस भारत में ही सदा सुखी थे, अब वे राजधानी स्थापन हो रही है। यहाँ तो है ही माया का राज्य, शांति मिल नहीं सकती। शांति के लिए अलग जगह है, सुख के लिए अलग जगह है। सुख धाम में सब सुखी होते हैं, कोई एक भी दुखी नहीं रहता, और दुख धाम में फिर एक भी सुखी नहीं रहता। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब दुखी ही दुखी हैं। सुख धाम में कभी जानवर भी दुख नहीं पाते। शांति की दुनिया ही अलग है, जिसको निर्वाण धाम कहते हैं। कहते हैं फलाना निर्वाण धाम गया, परंतु गया कोई भी नहीं है। अगर खुद चला गया तो फिर क्या करके गया? सब दुखी ही दुखी हैं, कितने लड़ाई झगड़े हैं। वे कहते हमारे देश से हिंदू निकल जाएं,
वे कहते फलाने निकल जाएं, एक दो को सहन नहीं कर सकते। अब बाप भी देखते हैं अनेक धर्म हो गए हैं तो लड़ते रहते हैं, इसलिए सभी देह के धर्मों को निकाल देते हैं। बाप कहते हैं जो भी धर्म वाले हैं सबको हम देह के धर्मों से निकाल देंगे। सतयुग में सिर्फ एक देवता धर्म रहता है। ये सब ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में है। हाथ में चित्र उठाए जाकर वानप्रस्थियों को समझाना चाहिए, मंदिरों में जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। शंकर के आगे शिव दिखाते हैं तो जरूर वह शंकर से बड़ा हुआ ना। अगर शंकर भगवान का रूप है तो फिर उनके सामने शिवलिंग रखने की क्या दरकार है? सन्यासी अपने को ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी कहलाते हैं। शिव का उनको पता भी नहीं है। तत्व तो रहने का स्थान है, वे फिर ब्रह्म और तत्व को भी एक नहीं मानते। अच्छा, ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, फिर अपने को शिव क्यों कहलाते हैं? वे तो समझते हैं शिव भी एक ही है, ब्रह्म भी एक ही है। अब ब्रह्म तो है ही रहने का स्थान, मनुष्य तो बहुत मूंझे हुए हैं। तुम बच्चों को अब होशियार होना है। तुम सन्यासियों को भी समझा सकते हो, उनमें भी कोई निकलेंगे जो असुल देवता धर्म के होंगे, वे झट ज्ञान को समझ लेंगे। कोई 3-4 जन्मों से कन्वर्ट हुए होंगे तो इतना जल्दी नहीं निकलेंगे, ताजे गए होंगे तो झट निकलेंगे। बाबा में कशिश है ना, बाप है चुंबक, आत्माएं हैं सुइयां। अब सुइयों पर कट अर्थात जंग चढ़ी हुई है। कट वाली सुई ऊपर कैसे जाए? पंख टूटे हुए हैं। कट वाली चीज मिट्टी के तेल में डाली जाती है। बाबा भी इस ज्ञान अमृत से सबकी कट निकालते हैं, फिर हम सच्चा सोना बन जाएंगे। तुम अभी पत्थरनाथ से पारसनाथ बनते हो, भारत पारसपुरी था, अब देखो सोने का दाम कितना चढ़ गया है। फिर वहां बहुत सस्ता हो जाएगा तो भारत जो अब पत्थरपुरी बना है वह फिर पारसपुरी बनेगा। हमारी बुद्धि में यह चक्र फिरता रहता है, सारा दिन चक्र बुद्धि में फिरेगा, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। दुनिया में इन बातों को कोई भी नहीं जानते हैं। तुम जानते हो सतयुग में जो राज्य करते हैं उन्हों के 84 जन्म होते हैं। फिर त्रेता वालों के जरूर कम होंगे, कहाँ 84 जन्म, कहाँ फिर 84 लाख कह देते हैं। फिर तो कल्प भी इतना लंबा होना चाहिए जो इतने जन्म हो। ये हैं सब गपोड़े। हमेशा पहले तो चित्र सामने दे देना चाहिए। पैसा तो तुम कभी नहीं मांगना, तुम्हारा काम है उनको देना। कुछ भी उनको देना होगा तो आप ही देंगे। कोई दाम पूछे तो बोलो बाबा तो गरीब निवास है, गरीबों के लिए फ्री बांटा जाता है। बाकी साहूकार जितना देंगे उतना हम और भी छपाएंगे। पैसा कोई हम अपने काम में थोड़े ही लगाते हैं, जो मिलता है जनता की सेवा के काम में लगाया जाता है। साहूकार ही तो धर्मशाला आदि बनाएंगे। यहाँ गरीब भी सेंटर बना सकते हैं, इसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। समझो कहते हैं कि हम सेंटर खोलूं अथवा ये गॉडली यूनिवर्सिटी खोलूं। ऐसी गॉडली यूनिवर्सिटी से 3-4 ने भी अच्छा फल पा लिया तो अहो सौभाग्य उन खोलने वालों का। इसमें फ्राक दिल होना चाहिए। बाबा देखो कितना फ्राक दिल है, कखपन लिए और बादशाही दे देते हैं। सपूत बच्चे ही बाबा की सर्विस कर सकते हैं, कपूत क्या करेंगे? कपूत को थोड़े ही पाप वर्षा देंगे। तुमको सतगुरु का शो करना है। काम अथवा क्रोध में आए तो गोया सतगुरु की निंदा कराई, फिर पद पा नहीं सकेंगे। बहुत संभाल करनी चाहिए। बाप कहते हैं विष का वर्षा तो बाप से पति से लेते आए हो, अब ये पालो कि बाप पति
अमृत का वर्षा तुमको देते हैं। तुम सभी धर्म वालों को रचयिता और रचना की नॉलेज बता सकते हो। वह रचयिता तो रहते ही हैं शांति धाम में। उनको याद करने से तुम शांति का वर्षा ले सकते हो। वर्षा लेते लेते विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम उनके पास चले जाएंगे। ये ज्ञान सभी धर्म वालों के लिए है। ये है बिल्कुल नई बात। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के। दर दर धक्का खाना, ब्राह्मण खिलाना, तीर्थों पर जाना, यहाँ तो एक ही ज्ञान से बेड़ा पार हो जाता है। और कहीं जाने की दरकार ही नहीं। तो मीठे मीठे बच्चे, अब तुम स्वर्ग में चलते हो। जो विष पीने वाले हैं वे विघ्न तो जरूर डालेंगे, क्योंकि सारी दुनिया धुंधकारी है। देखो, भारत में पवित्रता नहीं है तो धक्के खाते रहते हैं, हंगामे हैं, स्ट्राइक करते रहते हैं, गवर्नमेंट का नाक में दम चढ़ा देते हैं। गवर्नमेंट साफ कह देती है कि इतना खर्चा हम लावे कहाँ से, तो वे कहते हैं तुम लोग मौज उड़ाते हो, धन इकट्ठा करते रहते हो। हमने क्या गुनाह किया है, हमको तनख्वाह चाहिए। स्ट्राइक कर देते हैं तो धंधा ठहर जाता है। ये सब होना ही है। कहीं सब्जी नहीं मिलेगी, कहाँ दूध नहीं मिलेगा, जहां तहां खिटपिट है। ये सब हंगामा हो, फिर शांति होगी। विनाश का और फिर विष्णुपुरी का साक्षात्कार तो अर्जुन को भी कराया था ना, तुमको भी अभी हो रहा है। देखो, कहाँ बरसात नहीं पड़ती है तो भी यज्ञ रचते हैं, कहाँ बहुत अशांति होती है तो पीस के लिए यज्ञ रचते हैं। परंतु पीसफुल तो एक ही भगवान है। वह जब आए तो शांति का दान देवे। देने वाला तो वह एक ही है ना। देखो, तुम कितने लाडले बच्चे हो, बहुत जन्मों के बाद अंत में आकर मिले हो। तो अब पूरा सौभाग्य लो। बच्चों को टोल पुट अर्थात मीठे बच्चे कहा जाता है। मिठाई खिलाई जाती है, वह होती है जिस्मानी मिठाई। ये है रूहानी मिठाई जो रूहानी बाप देते हैं। देही अभिमानी हो रहना है, बड़ी भारी मंजिल है, इसमें मेहनत है। बाबा कहते हैं 8 घंटा तो देही अभिमानी बनो, फिर भल शरीर निर्वाह अर्थ काम भी करो। रात को जागो तो बहुत अच्छी लगन रहेगी, कमाई है ना। हे नींद को जीतने वाले बच्चे, मुझ बाप को श्वासों श्वास याद करो, विचार सागर मंथन करो। रात दिन जितना योग में रहेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, और जितना ज्ञान सिमरण करेंगे उतनी कमाई होगी। बाकी तो सर्विस बहुत है। बाबा से पूछेंगे तो बाबा कहेंगे बैठे रहो, आराम करो, इसमें पूछने की दरकार नहीं है। बाबा ने लोक लाज का कुछ ख्याल किया क्या? अरे, बादशाही मिलती है तो इनको मारो ठोकर। बाकी हाँ, हर एक का अपना अपना पाठ है, हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। पैसे हैं तो अलौकिक सर्विस में पैसे को सफल करो। ये तो बच्चे समझते हो, इस ज्ञान मार्ग में जरूर विघ्न पड़ते हैं, क्योंकि पवित्रता का सवाल है। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उन्हों को पवित्र जरूर बनाना पड़े। इस समय तो मनुष्य बहुत गंदे हैं, विघ्न भी बहुत डालेंगे, झूठे कलंक भी लगाएंगे। इन बातों से डरना नहीं है, कुछ भी हो घबराना नहीं चाहिए। 5,000 वर्ष पहले भी ये कलंक लगे थे, अब भी लगेंगे। झूठी झूठी बनावटी बातें भी करेंगे, किसको रिस्पॉन्ड ठीक न मिलने से भी हंगामा करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते सन्यासी, उदासी आदि सब धर्म वाले आएंगे। सबको बाप की नॉलेज जरूर लेनी है। ये चित्र भी सारी दुनिया में जाने हैं। कभी क्रोध में आकर वाद विवाद नहीं करना है।
भल चाहे कोई निंदा करे, गुस्से में कभी नहीं आना चाहिए। बच्चों को रिफ्रेश हो फिर सर्विस करनी है, दिन प्रतिदिन कायदे कानून भी सुधरते जाएंगे। दुनिया के कायदे कानून तो बिगड़ते जाएंगे, क्योंकि वह तो तमो प्रधान बनती जाती है, हम तो सतो प्रधान बन रहे हैं। अच्छा, तुम बच्चे हो राज ऋषि, तुम कहेंगे हम अभी तपस्या कर रहे हैं वानप्रस्थ में जाने के लिए। ऐसा जवाब देने का कोई मनुष्य को अक्ल नहीं है, वह तो वानप्रस्थ को समझते ही नहीं। तुम कहेंगे हम राजयोगी हैं, जीवन मुक्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं। सिखलाने वाला है पारलौकिक परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर। ऐसे ऐसे माताएं बैठ समझाएं तो सब वंडर खाएंगे। बोलो, हमको पारलौकिक परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं भविष्य ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, भल कोई निंदा करे, हमें गुस्से में नहीं आना है, किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है, रिफ्रेश हो फिर सर्विस करनी है। दूसरा, नींद को जीतने वाला बनना है, रात को जाग कर भी बाप को याद करना है और ज्ञान का सिमरण करना है, देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करनी है। वरदान, इंतजार को छोड़ इंतजाम करने वाले, वियोगी के बजाय सहयोगी सो सहज योगी भव। स्पष्टीकरण, कई बच्चे इंतजार करते हैं कि ये छोड़ें तो छूटूं, ये टकराव छोड़ें तो छूटूं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये तो माया के विघ्न व पढ़ाई में पेपर समय प्रतिसमय भिन्न भिन्न रूपों से आने ही हैं। तो ये इंतजार नहीं करो कि फलाना व्यक्ति पास करे, फलानी परिस्थिति पास करे, नहीं, मुझे पास करना है, ऐसा इंतजाम करो। सदा श्रीमत की उंगली के आधार पर चलते सहयोगी सो सहज योगी बनो, कभी सहयोगी कभी वियोगी नहीं। स्लोगन, अपने उमंग उत्साह द्वारा अनेक आत्माओं का उत्साह बढ़ाना, ये सच्ची सेवा है। ओम शांति।